वेलकम व्यूअर्स, आइए आज थैला बनाते हैं। तो आज 18 इंच लंबा चौड़ा कपड़े से थैला बनाते हैं। 18 इंच का ये एक पट्टी हमने ऐसे कटिंग किया है, उसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं। पट्टी बनाने के लिए इसको एक एक इंच फोल्ड करके मोड़ के एक इंच में इसको सिल लेते हैं। बस सबसे पहले चैनल पर थैला का वीडियो है, उसको आपने बहुत प्यार दिया है। एक और थैला इसी तरीके से बहुत सरल है, उससे तो सरल है ये, इसमें खंड नहीं है क्योंकि उसमें खंड था और इसमें नहीं है। तो ये सिंपल सा थैला एक बना के 18 इंच लंबा चौड़ा कपड़े में मैं बनाकर दे रही हूँ। इसको भी पहले जैसे भी थैले जैसे ही इसको भी प्यार देना, क्योंकि आपने पहले थैले को बहुत सा प्यार दिया है। तो इस तरीके से मोड़ते जाएं इसको। मोड़ लिया, अब मोड़ने के बाद निशान बना देते हैं हैंगर टांगने के लिए। जैसे कैरी बैग बनाते हैं ना, तो थैला का जो हैंगर टंगता है वैसी बनाना है। यहाँ पर पट्टी को सिलने के लिए इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिलना है इसको। थोड़ा सा 2-3 सिलाई में थैला बन जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा काम आपको कैसे लगता है। यहाँ पर इस तरीके से मोड़ करके सिल देते हैं। चाहो तो सिल सकते हो, लेकिन नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं सिल सकते। ये दोनों तरीके से ये होता है। मैं यहाँ पर सिल के इसको थोड़ा सा तिकोना बना रही हूँ ताकि नीचे जो है वो अच्छा से मुड़े रहे और मोटा कपड़ा रहे नीचे में। इस तरीके से ये देखो, हमने थैला बनाकर तैयार कर लिया। बहुत कम समय में थैला बन गया हमारा। और ये नीचे को और सिल लेते हैं मोड़ करके, जहाँ से मोड़ा है वहीं पर से और मोड़ करके सिल लेते हैं इसको। चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं तो अच्छा आएगा लुक और इसका। ये है बन गया सब्जी थैला। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।